विभा जी नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं आप? वाले शख्स वाले वाले, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। आप मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे और आप मुझे अच्छा लगता। अरे हाउ स्वीट। एक महिला झुकी हुई कुछ देख रही है कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं काम। वो एक्चुअली कनेक्ट कर रही है कि हाँ लोगों के जो सवाल है, मतलब बहुत सारे लोगों के अलग अलग सवाल हैं और वो जानना चाहते हैं कि इतना कुछ, जैसे मैं अभी आप theanupamkher.com पे जाके देख रही थी तो उसपे सिर्फ मुझे लगता है कि कुछ ही चीजें लिखी हुई है, एक्टर, ऑथर, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। अब मैं उन लोगों को क्या बताऊं कि इसके आगे भी वो कितने रेस्टलेस हैं और कितनी सारी चीजें एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो अनुपम जी, अगर आपसे पूछा जाए जी कि अनुपम खेर कौन है, तो हाउ वुड यू काइंड ऑफ डिस्क्राइब हिम? जिस दिन मुझे पता लग जाएगा उस दिन बता दूंगा मैं आपको। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अनुपम खेर इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। कुछ भी हो सकता है। अगर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का बेटा इतने सालों बाद, कल मेरे को मुंबई आए हुए 39 साल हो गए और फिल्मों में 36 साल, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। आज एबीपी न्यूज के साथ और आप विभा कॉल के साथ अपने करियर के बारे में बात कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं? थैंक तो यू सब सो मच, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। ये सब सारी फिलॉसफी जो है ये लाइफ में काम आई है। और जब आप, मेरे दादाजी कहा करते थे, व्हेन यू आर वेरी पुअर द चीपेस्ट लग्जरी इज हैप्पीनेस। और मुझे मेरे पिताजी ने बहुत साल पहले कहा था जब मैं स्टूडेंट था, तो उन्होंने कहा था कि फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। तो जो आदमी ऑप्टिमिस्टिक है, इटर्नल ऑप्टिमिस्टिक है और उसको फेलियर का डर नहीं है, वो तो बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन। एब्सोल्युटली। हाँ, और आप मेरी रेस्टलेसनेस की बात कर रही थी, तो मुझे लॉकडाउन में इनफैक्ट एहसास हुआ कि मैं उतना रेस्टलेस हूं नहीं जितना मैं समझता था अपने आप को, क्योंकि मैंने यहाँ बड़ा संयम दिखाया। मैं 73 दिन से आज मेरा 74th day है, मैं अकेला बॉम्बे के अपार्टमेंट में बैठा हूँ। किरण जी चंडीगढ़ में काम कर रही हैं अपना बतौर एमपी। सिकंदर कभी कभी अपने कमरे से बाहर निकलता है, तो आपको पता ही आजकल की जनरेशन, जब उसको उसके कमरे की चादर चेंज करनी होती तो थोड़ी बाहर शक्ल दिखाता है। अदरवाइज तो इसमें मैंने संयम दिखाया, बहुत पॉजिटिविटी की बातें की हैं, बहुत बहुत सारे मैंने इंस्टाग्राम लाइव भी किए हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने जिनको मैं पसंद करता हूँ, जिनको, जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, जिनसे कुछ सीखना चाहता हूँ, तो ये इस तरह से वक्त गुजारा। और अब जो मैं अपने वेबसाइट पे theanupamkher.com पे अपना प्ले डाल रहा हूँ, कल हमने लाइव किया, आपने शायद उसको देखा, कैसी लगी आपको मेरी वेबसाइट? मेरे को इनफैक्ट मैं वही देख रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग। मोबाइल पे देख रही हूँ। हाँ, मैं वही देख रही थी और मैं वही सोच रही थी। मेरे पर इतना एहसान करना कि बाद में इसको अपने कंप्यूटर पे जरूर देखना। डेफिनेटली, ये दिस गोज विदाउट सेइंग अनुपम जी। हाँ, तो ये इसमें सिर्फ होम पेज जो है वो लाइव है, बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप कह रही थी कि बहुत सारी 7th से शुरू होने वाला है, 7th June से शुरू होने वाला है। जीवनी पर आधारित कुछ भी हो सकता है, वो लाइव होगा 11:30 बजे के बाद। This तो I have to watch. अनुपम जी, ये अभी जो आजकल आप चीजें कर रहे हैं, आपने अपने आप को कितना एक्सप्लोर किया? आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, आप बिट्टू बन रहे हैं, अनुपम, इन दोनों का कॉन्वर्सेशन है, नई नई चीजें आ रही हैं, आपने और क्या क्या रियलाइज किया कि और क्या क्या है अंदर, मतलब जो दिस हैज टू कम आउट? आई थिंक जब आप अपने आप से मुखातिब होते हैं तो अपने आप से आपको पता लग जाता है। द आइडिया इज टू स्प्रेड होप, स्प्रेड हैप्पीनेस अमंग पीपल। भगवान ने मुझे इतना दिया है, मैं यहाँ पर 3 June 1981 को मुंबई स्टेशन पे, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे या VT पे, आई थिंक मैं 37 रुपये लेके उतरा था। तो इन 39 सालों ने भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है कि इट्स टाइम फॉर मी टू स्प्रेड होप, नेवर गिव अप एटीट्यूड। तो मुझे लगता है कि ऑप्टिमिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं जो भी चीजें करता हूँ, वेदर इट वॉज कॉन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, वेदर इट वॉज डूइंग बिट्टू वर्सेज अनुपम, जिसमें बिट्टू अनुपम का मजाक उड़ाता है, तो उन सब जगह पे मैंने ऑप्टिमिज्म को, आशावादिता को
फैलाने की कोशिश की है। मतलब लॉकडाउन तो आपके लिए और ही बढ़िया हो गया फिर, क्योंकि हाँ बिकॉज जितने पॉजिटिव आप थे उससे और ज्यादा पॉजिटिव हो गए। और इस बात थैंक्स पर इस बात का भी एहसास हुआ इस लॉकडाउन में जो सारे परिवारों को हुआ होगा कि आपको लॉकडाउन में इस बात का एहसास हुआ कि हमारी जो जरूरतें हैं वो बहुत छोटी हैं, हमने जिंदगी को ऐसे ही फैला रखा है। क्या जरूरतें हैं? एक तो हम अपने परिवार के साथ हों, बस घर चले जाएं जैसे तैसे। सबकी इच्छा यही थी कि घर चले जाएं, चाहे वो माइग्रेंट लेबरर्स हों, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों, चाहे वो अमीर लोग हों, चाहे वो गरीब लोग हों, सब लोग अपने घर में जाना चाहते थे। मतलब परिवार का मतलब हमको समझ में आया। दूसरा क्या चाहिए कि एसेंशियल चीजें जो खाने की थोड़ी बहुत चीजें वो चाहिए। आज कोई नहीं कह रहा कि मैं जाके सिनेमा में सिनेमा हॉल देखना चाहता हूँ, मैं गुच्ची शॉप खरीदना देखना चाहता हूँ, कोई बैग खरीदना चाहता हूँ, डार्क ग्लासेस खरीदना चाहते हैं। वो हमारी जरूरतें हैं, वो भी उसमें भी मजा आता है। मगर इस लॉकडाउन ने इस बात का एहसास करा दिया कि हमारी चीजें हमें जो हमारी जरूरतें बहुत ही कम है। तो ये सबको इसका एहसास हुआ होगा। बट व्हाइल वी आर ऑन दिस विवाह आई नीड टू से समथिंग। टुडे वी लॉस्ट बासु चटर्जी अनफॉर्चुनेटली। आई हैव टू वी कैन नॉट हैव अ लाइव विदाउट मेंशनिंग हिम। बासु चटर्जी की फिल्में जो थी वो जिंदगी को बहुत पॉजिटिव प्रो लाइफ होती थी, और वो उन्होंने एक कॉमन मैन को हीरो बनाया था, चाहे वो छोटी सी बात हो या रजनीगंधा हो। वो मैंने एक फिल्म की थी, दो फिल्में उनके साथ की थी, जेवर और गुदगुदी। So I just want to acknowledge that his contribution in Indian cinema. In fact, इसी बात पे आना चाह रही थी कि इस lockdown ने हमसे बहुत सारे ऐसे gems छीन लिए कि it's really sad. इतना से प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। इसी अफसोस भी हम जो हैं उसको भी दबा के करना पड़ रहा है, उसको भी जो है ऐसा नहीं कि जाके उनके परिवार वालों को, उनकी बेटी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उनके परिवार वालों को हम जाके मिल सकें, क्योंकि उससे जो उनका जिनको उन्होंने खोया है वो तो वापस नहीं आ सकता। मगर एटलीस्ट एक एहसास होता है कि इतने सारे लोग आए हमारे दुख में शामिल हुए। अब डिजिटली दुख में शामिल होना अलग बात है, बट यस आई वांटेड टू से दैट ब्रिंग दैट लॉट ऑफ पीपल वी लॉस्ट, लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट, अदर पीपल आल्सो लॉस्ट देयर इन देयर लाइव्स। हॉस्पिटल में पड़े हैं, हॉस्पिटल में जो है लास्ट, एनीवे वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग, बट बासु चटर्जी ने हमारी जिंदगी में, हमारे मेरे जवानी में बहुत खुशियां हमारे साथ बांटी थी, और उनके लिए उनको श्रद्धांजलि। They've left a positive impact on all of us. Absolutely, absolutely, yes. ये the anupamkher.com वाला जो कॉन्सेप्ट था, मतलब why did you decide on this? आपने क्यों सोचा कि लोग आपके बारे में आई थिंक ऑलमोस्ट सब कुछ जानते हैं, आपने कैसे डिसाइड किया कि अब ये भी? तो मुझे मैं जब न्यूयॉर्क में शूटिंग करता था न्यू एम्स्टरडैम की, तो मुझे मेरे हमारे दोस्त थे, उससे बात कर रहा था, अमेरिकन दोस्त, तो वो कह रहा था यू हैव सच ए ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क, व्हाई डोंट यू पुट इट इन वन प्लेस सो पीपल जस्ट गो एट वन प्लेस एंड गेट इंस्पायर्ड। क्योंकि ऐसे तो आप अनुपम खेर सर्च कर सकते हो गूगल पर, तो बहुत सारी चीजें आएंगी, बट आई तो उनकी ये बात से मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने ओपरा विनफ्री की वेबसाइट चेक की, तो मैं जो भी आपसे पॉजिटिव बात या ऑप्टिमिज्म की जो फिलॉसफी है या सेलिब्रेट फेलियर की जो फिलॉसफी है वो मैं उस वेबसाइट पे डालना चाहता हूँ, ताकि वो सब तक एक स्टेशन पे पहुँच के सब कुछ उनको मिल जाए। फिर मैंने लगा मैंने बहुत काम किया इन 515 फिल्मों में काम किया, वो सारी फिल्में तो डालने की जरूरत नहीं है, मगर फिलॉसफी को जरूर डाल सकता हूँ। तो वहां से काम शुरू हुआ। हमारे एक मित्र हैं मिस्टर सानी, उनकी एक आईटी कंपनी है बैंगलोर में, उन्होंने हमारा ये जिम्मा लिया कि वो मेरी वेबसाइट बनाएंगे। मुझे वेबसाइट से बड़ी पॉजिटिव वाइब्स चाहिए थी, ऐसा डिजाइन होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी यूज गोल्ड ब्लैक एंड वाइट। तो और फिर ये प्ले जो है कुछ भी हो सकता है जो मेरी जिंदगी पर आधारित है, ये हमने 2.5 साल पहले रिकॉर्ड कर लिया था। तब हमने ये नहीं सोचा था कि हम इसको किसी डिजिटल या OTT प्लेटफॉर्म पर डालेंगे, हम सोचा था अपनी याददाश्त के लिए, अपनी अपने लिए अपनी धरोहर समझ के इसको रखेंगे। बट लॉकडाउन के दौरान मुझे लगा कि मेरा जो प्ले है वो ऑप्टिमिज्म पर है, होप पर है, नेवर गिविंग अप पर है, और मैंने वो प्ले देखा, तो हमने फिर डिसाइड किया कि इसको अपने ही एक नई किस्म की चीज़ करूँगा। मैंने हमेशा नई चीज़ें करने की कोशिश की। 28 साल की उम्र में मैंने 65 साल के बुजुर्ग का रोल किया था। मैंने ये जो हमारे यहाँ टाइप कास्टिंग की एक बीमारी थी कि एक रोल से एग्जैक्टली मैं वही आ रही थी कि मैं अनुपम खेर जी को किसी एक चीज इसमें देख नहीं सकती, बैडमैन या
गुड मैन या फनी मैन एक इसमें देख ही नहीं सकती. इट्स लाइक अ वाइड स्पेक्ट्रम. राइट. तो वो मैंने जो है वो मिथ ऑफ टाइप कास्टिंग छोड़ा. फिर मैंने लाइफ कोचिंग पे किताब लिखी, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू. अपनी ऑटोबायोग्राफी स्टेज पर की लोग लिखते हैं. मैंने अमेरिकन फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में, हर भाषा में काम किया सिवाय गुजराती फिल्म के. मैंने हिंदुस्तान की हर भाषा में काम किया, चाहे मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, मराठी है, इन सब फिल्मों में मैंने काम किया. सो मैंने सोचा कि इस पॉजिटिविटी को दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए. प्ले ऑन द वेबसाइट. जी. तो बेसिकली यही आइडिया था वेबसाइट पे डालने का प्ले. एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपका शो जो हमने देखा है, तो उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखकर एक अलग ही फील आएगा. तो इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग आई गेस. अभी एक चरण ये भी चला है कि लोग फिल्म में भी, अब जैसे बच्चन साहब की फिल्म गुलाबो सिताबो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है. As an actor, आपको क्या लगता कि like would you want your films to kind of come there? Yeah, I think वक्त के साथ सबको बदलना होता है. हमने सबने बदले. हमारी दादी अंगीठी पे खाना बनाती थी कढ़ाई में, अब हम माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं. हमारे पास कभी मोबाइल नहीं होता था, अब हमारा मोबाइल के बगैर जीना नहीं होता है. मतलब सब जो अभी कल यहाँ तूफान आने वाला था, तो मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि ओ माय गॉड आई होप द वाईफाई डज नॉट गो. तो ये फिक्र नहीं थी कि कुछ गिरा. मतलब ये आजकल वी आर सो डिपेंडेंट ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो दीज आर द वी नीड टू चेंज अलॉन्ग विद द टाइम. दैट्स आल्सो कॉल्ड री इन्वेंशन. वी नीड टू री इन्वेंट. द आइडिया ऑफ पुटिंग दिस होल थिंग ऑन माई प्ले ऑन माई ओन प्लेटफॉर्म वॉज दैट आई वॉन्ट टू री इन्वेंट माई सेल्फ. अनुपम जी, एक चीज ये भी पूछना चाहेंगे. एक सौरभ कुशवाहा है, उन्होंने ये आपके लिए सवाल पूछा है कि जो कल हुआ, आप पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हर चीज में पॉजिटिविटी है, हर चीज को आप अगर देखो तो पॉजिटिव चीज की ओर देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे. कल जो वो जो एलिफेंट केस आया, एक बड़ा ही अजीब सा चेहरा दिखाया उसने इंसानियत का. ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोगों की मन प्रवृत्ति जो होती है बहुत ही घटिया होती है. देयर इज अ क्रिमिनल इन देम, देयर इज नो ह्यूमैनिटी इन देम. ऐसे लोगों को चूसने, जिसने भी वो किया है, जिन लोगों ने भी वो किया है, उनको वही सजा दी जानी चाहिए जो किसी इंसान को मारने पर की जाती है. बिकॉज इंसान तो एटलीस्ट चिल्ला के बात करके अपनी बात कर सकता है. बिकॉज उससे ज्यादा भयावह कांड जो है, अपराध जो है, कोई नहीं हो सकता है. इसमें अगर ऑप्टिमिज्म ये ढूंढना है तो मैं इसमें कुछ ऑप्टिमिज्म की बात है ही नहीं. बट ये है कि इस तरह के लोग जो हैं, अगर जितने कम से कम हो उतना बेहतर है. और ये पागलपन है. दिस पीपल हूएवर हैव डन दैट आर कंप्लीटली सिक इन देयर माइंड एंड दे शुड बी गिवन हार्डेस्ट पनिशमेंट फॉर doing what they did to an innocent animal. और जो गर्भवती थी, मतलब इससे ज्यादा भयानक कांड और क्या हो सकता है. मुझे, मैं तो देखा भी नहीं उसको पूरा. और उसके बारे में मैंने तो कुछ अपने सोशल मीडिया पे लिखा भी नहीं, बिकॉज मेरे को इतनी तकलीफ हुई उससे, ये सोच के कि उसको कितनी तकलीफ हुई होगी उस बेचारी हाथी अथनी को. क्या उसने मतलब इट इज इवन हॉरिबल टू टॉक अबाउट. इट्स हॉरिबल. अब ये आपके फिल्मों के पास आते, मैं सारांश, मतलब सारांश से शुरू करते. मतलब दैट वाज समथिंग दैट वाज बिग. 3 दिन तक ये लाइव करना पड़ेगा. नहीं, सारांश के एक स्क्रीन स्पेसिफिक सीन के लिए मैं ऐसे ही कहीं देख रही थी. सारांश के स्पेसिफिक सीन, जब आप अपने बेटे की एशेस के लिए जाके मांग रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ी खास कहानी थी. अंदर कुछ और चल रहा था, मन में कुछ और चल रहा था जब आप वो सीन कर रहे थे. हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे दर्शकों के साथ प्लीज शेयर कीजिए. तो सारांश में वो एक सीन था, बड़ा आइकॉनिक सीन है. मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी के अगर 5 बेस्ट सीन चुने जाएं तो उसमें नंबर चोटी पे वो आएगा.
वो सीन है कि जिसमें बीबी प्रधान जो मेरा किरदार था, और मैं 28 साल का था जब मैंने उस फिल्म की शूटिंग की थी, तो जब मैं उस सीन में उसके बेटे की जो है हत्या हो जाती है अमेरिका में, जो माइंडलेस वायलेंस रायट्स चल रहे हैं जैसे आजकल भी चल रहे हैं, और उसके सब्बे में उसको मार दिया जाता है, तो उसकी तो उसका जो सामान है वो जो है इंडियन गवर्नमेंट वापस भेज रही है मुंबई, और मैं और मेरा दोस्त उसको सामान को इकट्ठे करने जा रहे हैं। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस बीवी प्रधान के बेटे की अस्थियां लेने जा रहे हैं, मगर सामान बाकी भी आ रहा है, और कस्टम डिपार्टमेंट वाले उसको हैरेस कर रहे हैं कि इधर ये दो, थोड़ा रिश्वत मांग रहे हैं, ये दो वो दो। तो वो तंग आके अपने कस्टम का जो डायरेक्टर कस्टम है, जो मेन ऑफिस ऑफिसर है, उससे बात जाता है, और वो भी सोचता है कि ये टीवी और फ्रिज वगैरह लेने आया, रेफ्रिजरेटर। तो वो कहता है अरे भाई रुको रुको, आप बाहर जाओ, आपको टीवी मिल जाएगा। तो उसके बाद मेरा आउटबर्स्ट होता है जिसमें मुझे रोना था और ये सब करना था। तो टेक्निकली आई वॉज इल इक्विप्ड टू सॉर्ट ऑफ फील दीज इमोशंस, आई वॉज नॉट मैरिड, आई डिड नॉट, मीन्स इसको मुझे इमोशनली कैसे मैं करूं। और बहुत इंपॉर्टेंट सीन था, टर्निंग पॉइंट था फिल्म का, इन द अर्ली स्टेज ऑफ द फिल्म। तो मैं कैसे उसको अपनी आंख में आंसू लेकर आऊं, या अपने कैसे अपने दिल की व्यथा को मैं व्यक्त करूं। तो मैंने भट्ट साहब को कहा, भट्ट साहब मैं ना अपने सीन के दौर से पहले अपना अपनी पीठ जो है वो कैमरा की तरफ कर दूंगा, और फिर मैं आपको हाथ से इशारा करूंगा, तो उसका मतलब मैं इमोशनली प्रिपेयर्ड हूँ वो सीन करने के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि ये एक टेक में ओके हो जाए। मतलब मैं अपने गट्स की तारीफ करना चाहता हूँ कि मैंने डायरेक्टर को बोला कि एक ही टेक होगा, तो उसने कहा ठीक है। जब मैं मुड़ा तो मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा है जो उसकी डेथ हो गई है वो सोचा, मैंने ये सोचा कि ये फिल्म मेरे लिए इसका चलना और नो लोगों का नोटिस करना बहुत जरूरी है, और अगर ये फिल्म कुछ ऊपर नीचे हो गई, ये सीन कुछ ऊपर हो गया नीचे हो गया, तो मेरा करियर जो शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। मेरे माँ बाप ने अपने घर की बहुत सारी चीजें बेची हैं मेरा मुझे मेरी पढ़ाई खत्म करने के लिए, मैंने सड़कों की खाक छानी है मुंबई में, और मेरा कुछ ना कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, ये सोचते सोचते मेरी आंख में आंसू आ गए, और फिर मैंने ऐसे इशारा किया, और फिर मैंने टर्न किया तो मैंने वो सीन किया, और वो एक टेक में ओके हुआ। तो कभी कभी एसोसिएशन जो है वो इमोशनल मेमोरी जो है वो दूसरे तरीके की होती है, जिसने जब एक्टर बोलते हैं ना कि मैं अपने दिल की गहराइयों में चला गया था, उसमें कुछ सच भी होता है और कुछ वो एक्टिंग भी कर रहे होते हैं। द एसोसिएशन ऑफ दैट सीन हैड नथिंग टू डू विद द कंटेंट ऑफ दैट सीन, आई वाज थिंकिंग ऑफ समथिंग। या दैट्स द आप स्टोरी। जब अपने रोल्स चूज करते हैं तो व्हाट इज दैट वन क्राइटेरिया दैट यू कीप कि मुझे मेरा रोल कैसा है, कितना है, किसने बना, कौन बना रहा है, व्हाट व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर दैट? आप क्या शिवाजी सोचते में जब हैं? काम मिलना शुरू हुआ, मैंने इतना भुखमरी देखी थी, इतनी जलालत देखी थी, कि मैंने सोचा ही नहीं मेरे को क्या किस तरह का करना है। मैं तो फिल्मों को साइन करता चला गया, इसीलिए मैंने 36 साल में 515 फिल्में की हैं, बिकॉज काम होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इक्वालिटी वॉलिटी ऐसा कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने बुरा काम नहीं किया है। आप रोज सुबह काम पे निकलो और रोज दाढ़ी लगाओ, बिना दाढ़ी लगाओ, रोल बताओ क्या है ये। 20 साल तो मैंने वैसे काम किया, मैंने एक हफ्ते में मैं 10 दिन काम करता था, और 10 दिन में 36 घंटे होते थे मेरे लिए, बिकॉज 3 घंटे इधर शूटिंग करना, 3 घंटे इधर करना, क्योंकि मुझे याद आता था यार मैंने जो प्लेटफॉर्म पे रातें गुजारी हैं वैसा ना कभी हो। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा, फिर मुझे जो जब थोड़ा सा मुझे लगने लगा यार मेरे को काम में उतना मजा नहीं आ रहा है, तो मैंने काम कर दिया। अब मैं बेसिकली पहले रोल में सोचता हूँ कि रोल में क्या है, क्या मैं ऐसा रोल पहले कर चुका हूँ, या इसमें मैं मुझे कितना चैलेंज होगा। फिर ऑफ कोर्स डायरेक्टर और राइटर पर बड़ा डिपेंड करता है। आई बीन वेरी लकी दैट आई गॉट सम अमेजिंग राइटर डायरेक्टर्स टू वर्क विद, वेदर इट वाज मिस्टर भट्ट, वेदर इट वाज आदि चोपड़ा और करण जौहर और दिबाकर बनर्जी और नीरज पांडे इन इंडिया, और डेविड धवन। आई बीन वेरी लकी टू बी वर्किंग विद, और बासु चटर्जी। और उसके बाद फिर पैसा बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब तक पैसा आपकी कदर के हिसाब से आपको ना मिले तो लोग आपकी कदर नहीं करते। एंड समटाइम्स आई हैव डन फिल्म्स ओनली फॉर मनी, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट किचन तो चलना ही चाहिए। तो मुझे इसमें ये छोटी मैं छोटापन महसूस नहीं होता, डिपेंड करता है। अब रहा, मैंने बहुत सारी फिल्में दोस्ती की, बहुत सारी फिल्में मैंने
एक बंगाली फिल्म की थी जिसमें वो डायरेक्टर बंगाल से आया था और उसने कहा था जी मैं ऑफिस से आपके तब नहीं जाऊंगा जब तक आप हाँ नहीं करोगे, तो वो 4-5 दिन मेरे ऑफिस के अंदर बाहर ही बैठा रहा फिल्म की। तो आई डोंट टेक माई सेल्फ सो सीरियसली कि मैं सोचता हूँ कि अब मैं क्या करूंगा। ये चीज आमिर खान को सूट करती है, मेरे को नहीं। आप एक मतलब एक्टर्स इतने लकी होते हैं, दे गेट टू बी सो मेनी कैरेक्टर्स इन देयर लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट। सो आप आपको क्या लगता है कौन सा वाला कैरेक्टर इज लाइक सो क्लोज टू अनुपम खेर, इट्स वेरी और इज डिफिकल्ट, इट देर आर सो मेनी पोर्शंस ऑफ मी इन सारांश, देर आर सो मेनी पोर्शंस इन द कॉमिक सीन दैट आई हैव डन, वेदर इट्स दिल दिल है कि मानता नहीं, इट्स समटाइम्स द नेक्स्ट अनलेस आई एम प्लेइंग ए विलन, मेरे विलन में मेरा कोई एक्सटेंशन नहीं है बिकॉज आई डोंट थिंक लाइक दैट। तो अगर आप बोले कि डॉक्टर डैंग में आपको क्या नजर आया, तो मुझे एग्जैक्टली मैं मेरा उसी पे आने वाली थी अभी। आपके मन को मैंने पढ़ लिया था, बट इस थप्पड़ की गूंज। हाँ बिल्कुल मेरे दिमाग में जहन में आ ही नहीं सकता वो। बट द क्लोजेस्ट दैट यश चोपड़ा जी रोट फॉर मी वॉज लम्हे, वो मेरे पर्सनैलिटी के क्लोजेस्ट उन्होंने लेकर आए थे वो, तो क्योंकि वो उन्होंने मुझे ही मन में रख के वो कैरेक्टर लिखा था हनी ईरानी ने। सो आई थिंक दैट इज व्हाट, अदरवाइज सो मेनी देयर आर सो मेनी, वेदर इट वॉज बेंडेड लाइक बेकम और वेदर इट इज सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक और वेदर खोसला का खोसला, क्योंकि मैंने खोसला साहब को देखा है, मेरे दोस्त हैं विजय सहगल, उसके फादर बिल्कुल खोसला साहब जैसे थे। मैंने राकेश मारिया से बहुत मिला, इसलिए वेडनेसडे का प्रकाश राठौर बिल्कुल बहुत उसके जैसा है। मैंने स्पेशल 26 के भी जो कैरेक्टर्स हैं वो देखे हैं मैंने आसपास कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं लोग एक्टर की एक जहनी तौर पर एक आदत होती है कि वो बहुत ऑब्जर्व करता है, आपसे बात करते करते भी उसको एक आदत होती है, इट्स नॉट दैट ही इज ट्राइंग टू ऑब्जर्व बट एक आदत होती है, और वो आदत वो उसकी बन जाती है जिससे उसको किरदार मिलते हैं। तो ये जी, इंडस्ट्री में क्या ऐसा होता है कि एक्टर ऐसा कहते हैं कि एक्टर एक्टिंग तो करता ही है पर वो थोड़ा सा इनसिक्योर होता है कि आगे क्या, तो इसलिए कहीं ना कहीं उसका प्लान बी भी रहता है हमेशा कि मैं बिजनेस करूंगा या कुछ करूंगा। डिड दैट थॉट क्रॉस योर माइंड समटाइम्स? डिड यू एवर नॉट वांट टू हैव अ प्लान बी? ओनली स्पीक अबाउट द प्रोफेशन ऑफ एक्टिंग, आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू डू समथिंग, बट जब आप एक चीज को परस्यू कर रहे हो तो प्लान बी काम नहीं आती, मेरा मुझे लगता है। हालांकि बहुत सारे एक्टर्स जो हैं सक्सेसफुल, जब मैंने टाइकून बनना चाहा था 15 साल पहले कि मैं अभी टीवी टाइकून बनता हूँ, अभी अमिताभ बच्चन साहब ABCL खोल रहे हैं तो मैं भी अपना AKSL खोलता हूँ, अनुपम खेर स्टूडियो लिमिटेड, तो मैं बर्बाद हो गया था, मैं ऑलमोस्ट दिवालिया हो गया था। क्योंकि मेरे को पैसे का कोई ज्ञान नहीं था कि पैसे कैसे खर्च करने चाहिए, पैसे कैसे उधार नहीं लेने चाहिए, और उसकी कोई मैंने मैनेजमेंट नहीं थी। टिल वन डे माय चार्टर्ड अकाउंटेंट आई केम टू मीट मी एंड ही सेड सर घर और ऑफिस दोनों बिक्री फिर भी हैं, दैट इज हाउ आई डिड, कुछ भी हो सकता है एज ए प्ले, क्योंकि उस समय मुझे पैसों की जरूरत थी, मेरे बैंक बैलेंस में सिर्फ 4,000 थे और दुनिया के लिए मैं अनुपम खेर द स्टार था। अंदर से कोई नहीं जानता था कि मैंने बेवकूफी में ये अपना दिवालियापन ऑलमोस्ट कर दिया अपनी कंपनी का और अपना खुद का। तो बट नाउ द बिजनेसेस दैट आई डू उसमें थोड़ी अकल आई, नाउ आई रन द स्कूल, आई नो दैट बिजनेस, आई 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 मेक फिल्म व्हिच आई बिलीव इन। आप मतलब सब लोग तारीफ करते हैं आपके काम की और सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, बट ऐसी कौन कौन है ऐसा आपकी लाइफ में जिसकी अप्रिसिएशन आपके लिए बहुत मायने रखती है? आई थिंक घर वाले लोग होते हैं, किरण इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बड़ी मुंहफट है, मेरे दोस्त रह चुकी है पहले, मेरा भाई पिक्चर देख देखते पिक्चर के दौरान ही ट्रायल में बोल देता कितना बकवास किया यार तुम, ये स्ट्रेट लोग हैं। कुछ मेरे एक दो दोस्त हैं, एक मेरा दोस्त है विजय सहगल, दिल्ली में बैंक में कैशियर था वो, और वो भी बचपन का दोस्त है मेरा, तो जब मुझे अच्छा लगता है तो एकदम फोन करता है, जब बुरा लगता है तो 2-3 दिन उसका फोन नहीं आता, तो मैं समझ जाता हूँ इसका तो गड़बड़ है, फिर मैं उसको फोन करता हूँ क्या हुआ, कहता ठीक था यार कुछ बेटर हो सकता था। तो दीज आर द पीपल हु सॉर्ट ऑफ टेल द ट्रूथ एंड दे डोंट हैव टू बी क्रिटिक्स, दे वेरी क्लोज पीपल ऑफ योर्स, और खुद को पता लग जाता है, खुद को पता होता है कि
कि यार मैंने गड़बड़ कर दी है, बट कभी कभी वो नहीं सच नहीं देखना चाहता. देन द पीपल अराउंड यू टेल यू. सिंस वी सेइंग कुछ भी हो सकता है, क्या कुछ भी में वी कैन सी अनुपम खेर जी एज अ पॉलिटिशियन? नेवर, नॉट इन नेवर द रियली? यू नेवर से नेवर, सो आई टेक बैक दैट सेंटेंस. ओके ओके Never say in life, you never say never, but not that I am inclined towards it, at least for next 4-5 years. के बाद कोई भी टर्न हो सकती, कुछ भी हो सकता है तो हो सकता है, बट मैं आवाज मेरी अपनी बुलंद है काफी. मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है अपनी आवाज दूर लोगों तक पहुंचाने की. आजकल तो बहुत सारे मीडियम हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बट मेरा कोई फिलहाल, अगर मेरा होता तो मैं अब तक कर लिया होता जो, और मैं जिस दिन करूंगा डंके की चोट पर करूंगा, बट अभी मेरा रुझान भी नहीं है उस तरह. अनुपम जी, अभी आपकी मम्मी जो है वो आपसे अभी थोड़ा सा दूर है, वो तकलीफ तो हाउ आर यू कोपिंग अप विद दैट? 73 दिन से नहीं मिला, कल जा रहा हूं मिलने, कल उनका बर्थडे है, एंड मुझे दुनिया ओह की कोई ताकत. वंडरफुल, आई हैव प्लीज टेकन मेरी तरफ से ऑफिशियल, भी विश कर दीजिएगा उनको। मैंने ऑफिशियल परमिशन ले ली है ऑफिस अपना फ्रॉम द अथॉरिटीज. आई एम गोइंग एंड मीटिंग हर एंड आई वॉन्ट टू गिव हर अ नाइस हग विदाउट द सोशल डिस्टेंसिंग, बिकॉज शी इज फाइन एंड आई एम फाइन. मीन्स आई विल होपफुली, अभी तो बोल रहा हूँ जज्बात है, बस शायद देखने के बाद ऐसे करूँ या नमस्ते करूँ, बट शहर आई एम मीट बनेगी, शहर बनेगी, दमालू बनेंगे, बनेगा दमालू बनेंगे, पनीर, राजमा। बनेगा, यस एवरीथिंग बनेगी. और मेरी नीस बड़ी अच्छी चाट बनाती है, वो भी बने, सब खाऊंगा, सब कुछ खाऊंगा. अभी बड़ी भूख लग रही है मुझे विभा, मुझे खाना खाने जाने दो. चलिए, जब 7th को मैं ये प्ले देख लूंगी, उसके बाद लेट्स कनेक्ट अगेन, क्योंकि हंड्रेड ये वाला परसेंट एक एक्सपीरियंस आप बहुत अच्छा, आई मस्ट स्टिल से दैट आप बहुत अच्छा काम करती हैं, दैट्स व्हाई आई हैव ग्रेट लव एंड रिगार्ड्स फॉर यू, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए फेलो कश्मीरी एंड फेलो इंडियन. बट व्हेन एवर यू सी समथिंग नाइस ऑफ मी, यू सेंड मी अ मैसेज एंड आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो आई होप दैट आई गेट ए मैसेज फ्रॉम यू. जैसे जैसी देखोगी मुझे मैसेज भेजना, नहीं अगर नेक्स्ट डे भेजोगी तो मुझे लगेगा कुछ गड़बड़ हो गई. और अब अब तो उसी दिन भेजना है। हाँ सारे एबीपी के परिवार वालों को बोलो, फैला दो ये बात कि अनुपम खेर का आई नाटक विल, जो है आई विल। और आप खेर डॉट अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, एंड प्लीज गिव अ नलमुत टू योर मॉम। Absolutely, absolutely, and a virtual Nalmur to you also, and your family, and your mom, and your dad, and everybody. And take care of yourself. Lots of love to you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट। God bless you. ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे.